और हम देश के देखिए तमाम पिछड़े नेताओं से कहना चाहते हैं, बिहार से तेजस्वी यादव से कहना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी, बहन पल्लवी पटेल से कहना चाहते हैं, तमाम जो विपक्ष में, तमाम जो पूरे देश में ओबीसी एससी लीडर हैं, आदिवासी लीडर, अरे ये तुम्हारी विरासत है लक्ष्मण यादव। आज एक लक्ष्मण यादव अगर जिस दिन टूट गया, हताश हो गया, हार गया ना, उस दिन कोई आवाज उठाने वाला नहीं होगा। गुरु इतनी सैलरी होगी विश्वविद्यालय की 70 से 80 हज़ार, 1 लाख रुपया। मैं पूरे देश के आदिवासी और ओबीसियों से कहना चाहता हूँ कि लक्ष्मण यादव को कम से कम 1 महीने में 10 करोड़ रुपया दे दो, ताकि उसका 10 साल का सैलरी का बराबर हो, ललकार करके मनुवाद सामंतवाद के खिलाफ वो लड़े। यादव जी कोई घबराने की बात नहीं है, एक नौकरी तुम्हारी छीनी गई है। बनारस वाले मिश्रा जी आज तुमको इस बात का ऐलान करता है, मैं तो बेहद गरीब हूँ, ना ठेका है, ना दलाली है, ना ठेकेदारी है, ना रंगदारी है, ना कब्जेदारी है हमारे पास, रोजी रोजगार भी नहीं है, लेकिन हम लोगों से कलेक्शन करके तुमको 10,000 रुपया महीना जरूर देंगे। तुम अपने बात को, अपने जज्बात को कभी तोड़ना मत, और ये लड़ाई न्याय बनाम अन्याय की है। दलित आदिवासियों को सोचना चाहिए, अरे कितना गिर गए, क्यों बर्बाद हो जा रहे हो, क्यों मर जा रहे हो। जो आदमी तुमको जिंदा रखना चाहता है, जो आदमी तुमको सामाजिक न्याय देकर के तुम्हारा स्वाभिमान जगाना चाहता है, तुमको इज्जत देना चाहता है, तुम उसका साथ नहीं दे पाए, बताओ कौन लड़ेगा इस दलित आदिवासी और ओबीसी। उसी दलित के ऊपर, आदिवासी के ऊपर मुंह पर पेशाब किया गया, वहीं भाजपा की सरकार बनी। इसी दलित और ओबीसी, इसी उत्तर प्रदेश में योगी बाबा के शासनकाल में बहन बेटियों का बलात्कार हुआ, वहीं भाजपा की सरकार बनी। अरे बाहर दलित ओबीसी आदिवासी, वाह, तुम अपने तो जो तुमको जिंदगी देने आया तुमने उसको क्या, मतलब क्या पहचान दे रहे हो। लक्ष्मण यादव अगर टूटा इस देश में, दमन हुआ और उसकी आवाज़ अगर दबी, तो समझ जाना आज के बाद, लक्ष्मण यादव के बाद कोई ऐसा जरूरत नहीं करेगा जो दलित आदिवासी और ओबीसियों की आवाज़ बन सके। यह लड़ाई है, जनचेतना की लड़ाई है, लक्ष्मण यादव को साथ देना होगा। आज राम अभागे हो गए, आज राम पूरी तरीके से अकेले हो गए, बिना लक्ष्मण का राम राज कभी पूरा नहीं हो पाएगा। कौन सा दोष कर दिया लक्ष्मण यादव ने आदिवासी और पिछड़ों और दलितों के हक और हुकूक की बात करने के लिए? सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी लक्ष्मण यादव से क्यों इतनी तिलमिला गई कि उनको सेवानिवृत्त कर दिया, उनको नौकरी से निकाल दिया? और लक्ष्मण यादव को तुम नौकरी से क्या निकालोगे? लोगों के दिल से जब तक तुम नहीं निकाल पाओगे, तब से तक लक्ष्मण यादव का आवाज इस देश के अंदर नहीं दब सकता। देखिए एक बात हम बता दें कि ये राम राज्य है और राम राज्य वालों का ये सरकार है पूरे देश के अंदर, और राम राज्य में लक्ष्मण का तिरस्कार, लक्ष्मण का मतलब त्याग, लक्ष्मण का निष्कासन, यह मतलब है कि अब यह रामराज रावण राज में जाकर के तब भी लक्ष्मण यादव अगर भारतीय जनता पार्टी की जय जयकार करता तो मिनिस्टर होता कि ना होता। अगर भारतीय जनता पार्टी की चापलूसी लक्ष्मण यादव करते, भारतीय जनता पार्टी का जय जयकार अगर लक्ष्मण यादव करते, तो आज मिनिस्टर के लेवल पर होते, संबित पात्रा के कैटेगरी में जाकर बैठे। तभी आंदोलन होगा लक्ष्मण यादव के लिए। पहला ब्राह्मण कोई लीडर पूरे उत्तर प्रदेश में अगर कोई लड़ेगा तो उसका नाम बनारस वाले मिश्रा जी है। जी कभी भी आपको टूटने की जरूरत नहीं है, हम जैसे नौजवान तुम्हारे साथ हैं और पैसे की कमी तुमको कभी नहीं पड़ेगी। भीख मांग करके तुम्हारे जन आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे हम लोग, लेकिन सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़के रहेंगे। रोटी छीन लो, बेटी छीन लो, खेती छीन लो, सब चीज छीन लो, लेकिन सामंतवाद के खिलाफ क्रांति होके रहेगी। क्या दोष कर दिया लक्ष्मण यादव ने आदिवासी और पिछड़ों और दलितों के हक और हुकूक की बात करने के लिए? सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी लक्ष्मण यादव से क्यों इतनी तिलमिला गई कि उनको सेवानिवृत्त कर दिया, उनको नौकरी से निकाल दिया? नौकरी तुम्हारी छीनी गई है भाई मेरे, मैं ब्राह्मण कम्युनिटी का आदमी हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे सामाजिक न्याय के आंदोलन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता हूँ, तुम्हारा साथ देने का वादा करता हूँ। लाख मनुवादी, ब्राह्मणवादी और सामंतवादी हम लोगों को गाली दें करेंगे, मैं जनादर्श भारत पर यह सनद रहे, यह प्रमाण रहे, मैं लक्ष्मण यादव के लिए तमाम ओबीसी दलित और आदिवासियों से भी बढ़ करके, आगे बढ़ करके लक्ष्मण यादव का हाथ थामूंगा और उनके लिए लड़ाई लड़ूंगा। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। इस वक्त उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हैं और वाराणसी में आज हम देश के सबसे बड़े चर्चित मामले पर आज हम बात करने वाले हैं, और हमारे साथ बात करने के लिए बनारस वाले मिश्रा जी हैं जो बड़ी बेबाकी से हर एक मुद्दे पर अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं। आज इतना बड़ा मामला आया है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के जाकिर हुसैन कॉलेज के प्रोफेसर लक्ष्मण यादव को नौकरी से निकाल दिया गया है, और नौकरी से निकालने के बाद उनको समझिए कि पूरे देश में पूरा भूचाल आ गया है। अभी 3 राज्यों में सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की बनी है, और उसके बाद इतना बड़ा जो फैसला आया है उसको लेकर के पूरे देश में घमासान मचा हुआ है, और आज लक्ष्मण यादव दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रेस वार्ता कर रहा है। तो हमारे साथ बनारस वाले मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे लक्ष्मण यादव जो 14 साल से सेवारत थे, जो है प्रोफेसर थे, उन्हें बाहर कर दिया गया, बाहर का रास्ता दिखा दिया गया? देखिए एक बात हम बता दें कि ये राम राज्य है और राम राज्य वालों का ये सरकार है पूरे देश के अंदर, और राम राज्य में लक्ष्मण का तिरस्कार, लक्ष्मण का मतलब त्याग, लक्ष्मण का निष्कासन, यह मतलब है कि अब यह रामराज रावण राज में जाकर के तब्दील हो गया। अच्छा। लक्ष्मण यादव एक शिक्षक थे, सामाजिक न्याय के लिए लड़ने वाले लोग थे, सामाजिक न्याय पर हर व्यक्ति के अधिकार के लिए बोलते हुए वो शिक्षा को देते थे,
सरकार को इतनी तिलमिलाहट किसी ओबीसी शिक्षक से क्यों इतना? और सरकार में बैठे हुए जो ओबीसी और दलित और आदिवासी नेता हैं, क्या वो लक्ष्मण यादव को शिक्षक के रूप में नहीं देखते हैं? क्या लक्ष्मण यादव को उनका स्पीच, उनका सामाजिक न्याय, वो भारत देश के लिए आहुति का काम नहीं कर रहा है? भारत देश की उन्नति के लिए काम नहीं कर रहा है? वो लगातार उनके पर बाहरी लोग जो कमेंट कर रहे हैं, बाहरी लोग जो कर रहे हैं, बल कर रहे हैं कि ये ब्राह्मणवाद और मनुवाद के खिलाफ खुल करके आदिवासियों, दलितों, पीड़ितों और पिछड़ों के जो है समर्थन में बड़े बड़े मंचों से ऐलान करते थे। कौन सा दोष कर दिया लक्ष्मण यादव ने आदिवासी और पिछड़ों और दलितों के हक और हुकूक की बात करने के लिए? सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी लक्ष्मण यादव से क्यों इतनी तिलमिला गई कि उनको सेवानिवृत्त कर दिया, उनको नौकरी से निकाल दिया? और लक्ष्मण यादव को तुम नौकरी से क्या निकालोगे? लोगों के दिल से जब तक तुम नहीं निकाल पाओगे, तब से तक लक्ष्मण यादव का आवाज इस देश के अंदर नहीं दब सकता। आज एक नौकरी तुम छीन करके एक लक्ष्मण यादव की आवाज को तुम दबाना चाहते हो। सरकार और भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी और अमित शाह और तमाम भारतीय जनता पार्टी के सामंतवादी विचारधारा के लोग लक्ष्मण यादव के ताकत से तिलमिलाए हुए हैं और उनकी उनकी आवाज को दबाने के लिए नौकरी से निकाल लिए। गुरु, सामंतवाद के खिलाफ लड़ने वाले यानी मैं, बनारस वाले मिश्रा जी, मैं भी दलित ओबीसियों का बात करता हूँ, आदिवासियों की बात करता हूँ, सामाजिक न्याय की बात करता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों भारतीय जनता पार्टी को सामाजिक न्याय से इतना ज़्यादा नफरत है कि वो बात करने वाले लोगों को वो देशद्रोही कहते हैं। और ये दलित ओबीसी और आदिवासी को सोचना होगा कि जो लोग आपकी बात को जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में उठा करके करते हैं, वो लोग सरकार के रडार पर क्यों चले जाते हैं? क्या दिक्कत है ओबीसी, दलित और आदिवासियों के हक हुकूक और उनके स्वाभिमान की बात कहने वाले को उनको जलील किया जाता है, उनकी रोजी और रोटी छीनी जाती है? यह बात तय होता है कि ये मनुवाद और ब्राह्मणवादियों का एक कुचक्र है। मैं भले ब्राह्मण जाति से हूँ, लेकिन मैं सामाजिक न्याय पर बात करने वाला लोग हूँ। और लक्ष्मण यादव जी से मैं कहना चाहता हूँ कि आदरणीय लक्ष्मण यादव जी, कोई घबराने की बात नहीं है, एक नौकरी तुम्हारी छीनी गई है। बनारस वाले मिश्रा जी आज तुमको इस बात का ऐलान करता है, मैं तो बेहद गरीब हूँ, ना ठेका है, ना दलाली है, ना ठेकेदारी है, ना रंगदारी है, ना कब्जेदारी है, हमारे पास रोजी रोजगार भी नहीं है, लेकिन हम लोगों से कलेक्शन करके तुमको 10,000 रुपया महीना जरूर देंगे। तुम अपने बात को, अपने जज्बात को कभी तोड़ना मत। और यह लड़ाई न्याय बनाम अन्याय की है, और जिसमें लक्ष्मण मेरे पास है। आज राम अभागे हो गए, आज राम पूरी तरीके से अकेले हो गए, बिना लक्ष्मण का राम राज कभी पूरा नहीं हो पाएगा। और एक बात और बता दें, लक्ष्मण जी अगर रामचरितमानस आप पढ़ेंगे तो लक्ष्मण जी सामाजिक न्याय के सबसे बड़े पूर्वदात थे। माता सीता को कभी नज़र उठा के नहीं देखा, अपने माँ, अपने भाई, अपने कुल, अपने खानदान, अपने समाज के आबरू के लिए अपने भाई के साथ 14 साल वनवास काटा, नहीं तो राजमहल में रहता। आज वही लक्ष्मण यादव अगर भारतीय जनता पार्टी की जय जयकार करता तो मिनिस्टर होता, होता कि ना होता? अगर भारतीय जनता पार्टी की चापलूसी लक्ष्मण यादव करते, भारतीय जनता पार्टी का जय जयकार अगर लक्ष्मण यादव करते, तो आज मिनिस्टर के लेवल पर होते, संबित पात्रा के कैटेगरी में जाके बैठते। लेकिन आज का यह जो लक्ष्मण यादव था, वो सनातन काल के श्री राम के छोटे भाई श्री लक्ष्मण जी के जो है बराबर का ये लक्ष्मण है। और लक्ष्मण को, राम को हरा सकते हो, लेकिन लक्ष्मण के जज्बात को कभी नहीं हरा सकते। या जो तीली तुमने आग का लगाई है लक्ष्मण यादव के लिए, यह आग बन जाएगा और भारतीय जनता पार्टी का विनाश कर देगा। लक्ष्मण यादव जी से मैं कहना चाहता हूँ कि नौकरी तुम्हारी छीनी गई है भाई मेरे, मैं ब्राह्मण कम्युनिटी का आदमी हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे सामाजिक न्याय के आंदोलन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता हूँ, तुम्हारा साथ देने का वादा करता हूँ। लाख मनुवादी, ब्राह्मणवादी और सामंतवादी हम लोगों को गाली दें, अरे कौन सा अपराध करते हैं सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाले सरकार में रोजी रोटी और बेटी और खेती की लड़ाई लड़ते हैं, कहते हैं कि नहीं दलित ओबीसी और आदिवासियों को बराबरी का हिस्सा दे दो, तिलमिलाते हैं ये लोग। और इस देश के दलित ओबीसी और आदिवासियों को समझना होगा कि यह लक्ष्मण यादव का तिरस्कार, बनारस वाले मिश्रा जी को जेल, बनारस वाले मिश्रा जी जैसे तमाम, लक्ष्मण यादव जैसे तमाम लोगों को जो है कि मुकदमा कर देना, उनके ऊपर फर्जी माँ बहन की गाली देना, लक्ष्मण यादव को इस देश का ओबीसी, दलित और आदिवासी को साथ देना होगा, पालना होगा लक्ष्मण यादव को,
अरे कितनी सैलरी होगी विश्वविद्यालय की? 70 से 80 हज़ार, 1 लाख रुपया। मैं पूरे देश के आदिवासी और ओबीसियों से कहना चाहता हूँ कि लक्ष्मण यादव को कम से कम 1 महीने में 10 करोड़ रुपया दे दो, ताकि उसका 10 साल का सैलरी का बराबर हो, और ललकार करके मनुवाद सामंतवाद के खिलाफ वो लड़े। इस देश की ज़रूरत है इस सामंतवादियों के खिलाफ लड़ने के लिए। तो इसी की सज़ा मिली है उनको लगता? अरे क्यों नहीं सज़ा मिलेगी, वो आदमी शिक्षा के साथ साथ जन जागरूकता पैदा कर रहा था, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहा था। और हम देश के देखिए तमाम पिछड़े नेताओं से कहना चाहते हैं, बिहार से तेजस्वी यादव से कहना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी, बहन पल्लवी पटेल से कहना चाहते हैं, तमाम जो विपक्ष में, तमाम जो पूरे देश में ओबीसी एससी लीडर हैं, आदिवासी लीडर हैं, अरे ये तुम्हारी विरासत है लक्ष्मण यादव। आज एक लक्ष्मण यादव अगर जिस दिन टूट गया, हताश हो गया, हार गया ना, उस दिन कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं होगा गुरु। इस बुरे दौर में भी अगर हम लोग ललकार करके लड़ रहे हैं, तो हमको भी ये उम्मीद है, हमको मालूम है कि अगर हमारे ऊपर जब दमन होगा, हमको जेल होगा, हमको मुकदमा होगा, हमारी रोजी रोटी छीनी जाएगी, तो कहीं ना कहीं दिल में ये रहता है कि तमाम ओबीसी दलित और एससी साथी आगे बढ़ करके हम लोगों का हाथ थामेंगे और सामाजिक न्याय के तहत हमारा साथ देंगे और हम हमारा भी परचम लहराएंगे। अच्छा मिश्रा जी, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये दूसरे देश के ललई यादव थे जो ब्राह्मणवाद के खिलाफ मोर्चा खोल दिए थे, ललई यादव थे, उसके बाद लक्ष्मण यादव ने जिस तरह से आवाज़ बुलंद की है वो काफ़ी ज़्यादा जो है मनुवाद में जो है मनुवादियों को काफ़ी ज़्यादा चुभती थी, ये बात लोग कह रहे हैं। नहीं नहीं चुभती थी तो फिर उसका नतीजा हो गया ना, बिना राम के, बिना लक्ष्मण का राम राज्य उपस्थित नहीं हो सकता। मैं तो राम राज्य वालों से भी कहना चाहता हूँ, तुम कहते हो ना कि हम जातियों के नेता को बनाते हैं, सामाजिक न्याय दे रहे हैं, अरे वो आदमी क्या करता है यार, सोचना चाहिए दलित आदिवासी और ओबीसियों को कि लक्ष्मण यादव का आखिर अपराध क्या था कि विश्वविद्यालय से निकाल दिया गया, और किसने निकाला? कुलपति ने निकाला। मैं पूरे देश के दलित आदिवासी और ओबीसियों से कहना चाहता हूँ कि चिट्ठी शिक्षा मंत्रालय को लिखा जाए, मानव संसाधन मंत्रालय को, शिक्षा मंत्रालय को, कि ऐसे कुकृत और सामंतवादी विचारधारा वाले उस विश्वविद्यालय के कुलपति को बाहर कर दिया जाए, नौकरी से निष्कासित कर दिया जाए। अच्छा, उनके जो छात्र हैं वो आंदोलन पर लगे हुए आंदोलन कर रहे हैं, बनारस में भी आंदोलन होगा लक्ष्मण यादव के लिए। पहला ब्राह्मण कोई लीडर पूरे उत्तर प्रदेश में अगर कोई लड़ेगा तो उसका नाम बनारस वाले मिश्रा जी है। और हम लोग जाति मजहब के राजनीति को कर करके सत्ता और मलाई नहीं खाना चाहते हैं, हम जाति मजहब के खिलाफ सामाजिक न्याय के आधार पर मर जाना पसंद करेंगे पत्रकार महोदय, बिना खाए तड़प करके मर जाएंगे, भले हम लोगों का साथ जो है आदिवासी दलित और ओबीसी न दे, और देता भी नहीं हम लोगों का। कोई नहीं पूछने आता है कि लक्ष्मण यादव या बनारस वाले मिश्रा जी तुम लोग कैसे जीते हो, खाते हो, तुम्हारे घर में क्या कमी है, तुम्हारे आगे क्या, कोई नहीं, कोई पूछने नहीं आता। लेकिन फिर भी जज्बात दिल में लेकर के क्रांति की अलग जगाए रखना, हम बनारस की परंपरा है, हमारी बनारस की परंपरा है। मैं लक्ष्मण यादव के साथ एकदम ता उम्र कदम से कदम मिला के चलूँगा। जिस दिन लक्ष्मण यादव जी हमको याद करेंगे, हमारा आह्वान करेंगे, मैं जन आदर्श भारत पर यह सनद रहे, यह प्रमाण रहे, मैं लक्ष्मण यादव के लिए तमाम ओबीसी दलित और आदिवासियों से भी बढ़ करके, आगे बढ़ करके लक्ष्मण यादव का हाथ थामूंगा और उनके लिए लड़ाई लड़ूंगा। बनारस में भी आंदोलन होगा और लक्ष्मण यादव जी कभी भी आपको टूटने की ज़रूरत नहीं है, हम जैसे नौजवान तुम्हारे साथ हैं और पैसे की कमी तुमको कभी नहीं पड़ेगी, भीख मांग करके तुम्हारे जन आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे हम लोग, लेकिन सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ के रहेंगे। रोटी छीन लो, बेटी छीन लो, खेती छीन लो, सब चीज़ छीन लो, लेकिन सामंतवाद के खिलाफ क्रांति हो के रहेगी। और यह लक्ष्मण का निष्कासन, यह समझ जाना कि सत्ता का अब अंतिम दिन शुरू हो गया है। लक्ष्मण यादव जी आप पूरे देश के अंदर भ्रमण करिए, उसका जो भी हर्चा खर्चा है हम लोग आपको कलेक्ट करके देंगे, और ओबीसी दलित आदिवासियों को भी देना चाहिए। मैं तो तेजस्वी यादव जी से कहना चाहता हूँ, इतना रुपया आप चुनाव में खर्चा करते हैं, आपको आज के तारीख में लक्ष्मण यादव को कम से कम 2 करोड़ रुपया का चेक देना चाहिए, अखिलेश यादव जी को दे देना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए कि जाओ तुम लड़ो, दलित ओबीसी आदिवासियों की लड़ाई लड़ रहे हो, और हम जैसे ब्राह्मण साथी भी उनके साथ हैं, हम जाति मजहब के खिलाफ, हम जाति मजहब के कुचक्र में चढ़ करके हम किसी लक्ष्मण यादव जैसे नौजवान और बुद्धिजीवी व्यक्ति का दमन नहीं सहेंगे, इस बात को याद करिएगा।
चलिए ठीक है, देखिए हमारे साथ बनारस वाले मिश्रा जी थे और लक्ष्मण यादव के मामले को लेकर के कहीं ना कहीं अब पूरे देश में घमासान मचने जा रहा है, पूरे देश में जन आंदोलन शुरू होने वाला है और लक्ष्मण यादव ने इस बात का आह्वान भी कर दिया है कि आप इसके लिए जन आंदोलन की आवश्यकता आज हमारे साथ हुई है, कल करोड़ों ओबीसियों के साथ होगी, दलितों पिछड़ों आदिवासियों के साथ ये सारी घटनाएं घटेंगी, इसलिए इसे जन आंदोलन के रूप में देखा जाए। उन्होंने एक पर एक पोस्ट भी किया था जिसकी दो लाइनें मुझे याद आ रही, उन्होंने लिखा था कि जब डर पता चला तब ताकत पता चली, सीने की आग सीने की हिम्मत पता चली उन्होंने लिखा है। और ये समझिए कि जो लक्ष्मण यादव के साथ हुआ है ऐसा तमाम ओबीसी पिछड़े दलित आदिवासियों के साथ होता हुआ आया है, लेकिन उन्होंने ये आकर के ऐलान किया कि ये आखिर कब तक होता रहेगा, इसके लिए लड़ाई लड़नी है और सिस्टम से टकराना है। मोहब्बत और साथ देने का नज़ीर अगर कोई पेश होगा तो यहीं बनारस से होगा, भले दलित ओबीसी आदिवासी लक्ष्मण यादव को पॉलिटिकल प्रोपोगंडा के तहत उनका साथ न दे, लेकिन जाति बंधनों को तोड़ करके और सवालों और मुद्दों पर लड़ने वाली जो ताकतें हैं उनका सबसे बड़ा परिचय मैं ब्राह्मण होकर के लक्ष्मण यादव जी के लिए लड़ूंगा और खड़ा रहूंगा जो है। दलित आदिवासियों को सोचना चाहिए, अरे कितना गिर गए, क्यों बर्बाद हो जा रहे हो, क्यों मर जा रहे हो, जो आदमी तुमको जिंदा रखना चाहता है, जो आदमी तुमको सामाजिक न्याय दे करके तुम्हारा स्वाभिमान जगाना चाहता है, तुमको इज्जत देना चाहता है, तुम उसका साथ नहीं दे पाए, बताओ कौन लड़ेगा इस दलित आदिवासी और ओबीसी। उसी दलित के ऊपर आदिवासी के ऊपर मुंह पर पेशाब किया गया, वहीं भाजपा की सरकार बनी, इसी दलित और ओबीसी इसी उत्तर प्रदेश में योगी बाबा के शासनकाल में बहन बेटियों का बलात्कार हुआ, वहीं भाजपा की सरकार बनी। अरे वाह रे दलित ओबीसी आदिवासी वाह, तुमने तो जो तुमको जिंदगी देने आया तुमने उसको क्या मतलब क्या पहचान दे रहे हो। लक्ष्मण यादव अगर टूटा इस देश में, दमन हुआ और उसकी आवाज़ अगर दबी, तो समझ जाना आज के बाद लक्ष्मण यादव के बाद कोई ऐसा जुर्रत नहीं करेगा जो दलित आदिवासी और ओबीसियों की आवाज़ बन सके। यह लड़ाई है जनचेतना की लड़ाई है, लक्ष्मण यादव को साथ देना होगा और बनारस वाले मिश्रा जी लक्ष्मण यादव की जी के लिए जान प्राण सब दे देंगे, लेकिन लड़ेंगे लक्ष्मण यादव के लिए। जय लक्ष्मण यादव।